नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि पिंटरेस्ट पर आप कैसे सेल कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपको पता होगा कि ये हमारी सीरीज जो चल रही है वो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है पिंटरेस्ट के बारे में, तो थोड़ा सा मैं पिंटरेस्ट के बारे में आपको बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि पिंटरेस्ट पर आप कैसे मार्केटिंग करोगे और कैसे पिंटरेस्ट पर आप रीसेलिंग करोगे या किसी भी टाइप के प्रोडक्ट आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिंटरेस्ट भी फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं वो लेडीज हैं। लेडीज ज़्यादातर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगी। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें, और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे 1 अरब से ज़्यादा एक्टिव यूजर है, और उसमें से 70% इनकी खुद की रिपोर्ट है कि 70% से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म को लेडीज यूज करती हैं। और आपको पता होगा कि अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो रीसेलिंग में भी सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, तो वो लेडीज को हम अगर ध्यान रखें और लेडीज को प्रोडक्ट सेल करें तो हमारी सेल उस टाइम पे अच्छी हो सकती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो पिंटरेस्ट को आप यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर पिंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं कि अगर आप पिंटरेस्ट को देखोगे तो 20 MB का इसका एप्लीकेशन है, जो कि पिंटरेस्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, और 4.6 के रिव्यू दिए गए हैं, मतलब आउट ऑफ 5 में से 4.6 के रिव्यू आना, वो भी 5 मिलियन रिव्यू के बेसिस पर, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उसे भी देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की तरह है। तो आपको किस तरह से रीसेलिंग करनी है वो मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग से बताऊँगा। और आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पिंटरेस्ट नाम का एप्लीकेशन या पिंटरेस्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। आप अपना अकाउंट वगैरह अपने बिजनेस के नाम से बनाइए, जैसे कि जो भी आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो ब्रांड के नाम से अपना पिंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, कोई आपको पैसे नहीं देने, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी रिलीवेंट कैटेगरी चूज कर लेनी है कि किस टाइप के आप प्रोडक्ट डालोगे वहाँ पे या किस टाइप का आप कंटेंट शेयर करोगे, वो कैटेगरी आपको शेयर चूज कर लेनी है। वहाँ पे पूछता है कि आप कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करोगे या कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे डालोगे। तो अगर आपको वुमेंस क्लॉथ सेल करनी है तो आप लाइफ स्टाइल चूज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी टॉपिक हैं तो उन्हें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जो भी पोस्ट डालोगे तो आपकी पोस्ट को देखने के लिए भी वही लोग आएंगे जो उस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पे जो कोई भी अकाउंट बनाता है सभी को पूछता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, फिर कोई बोलता है कि हमें लाइफस्टाइल, हमें फैशन, हमें शॉपिंग, अगर आपकी भी कैटेगरी वही आप उसी टाइप की पोस्ट डालते हो और दूसरे का इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में, तो उसको आपके प्रोडक्ट शो कराए जाएंगे जिससे कि आप उनसे बात कर सको और सेल कर सको। अगली चीज़, आप यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आप मल्टीपल फ़ोटो भी डाल सकते हैं, आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी पिंटरेस्ट यूजर हैं अब वो इन चीज़ों को देख सकते हैं और आपसे कमेंट करके, या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हो डिस्क्रिप्शन में तो आपको व्हाट्सएप पे वो कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और आपको ऑर्डर मिल सकते हैं वहाँ से अच्छे खासे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं
जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में, उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि या तो आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल का लिंक क्रिएट कर लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि लिंक कैसे क्रिएट होता है। इसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियो भी इसके अलावा बनाई है कि कैसे अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उस लिंक क्रिएट करने से क्या होता है कि जब आप अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी बंदे को उस लिंक को शेयर करते हो, तो उस लिंक पे ओके करके वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, बिना नंबर सेव किए हुए आपको मैसेज कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पिंट्रेस्ट में कोई पोस्ट कर रहे हो, तो पोस्ट करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो बंदा हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने पेज का, अपने ग्रुप का या अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल का लिंक पिन कर सकते हो वहाँ पे। तो जिससे क्या होगा कि उसे जब भी ऐसा लगता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है, तो वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप प्रोफाइल पर आ जाएगा और आपसे आगे की जानकारी ले लेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे फॉलोअर बेस भी है, जैसे कि आप कोई भी सर्च करता है आपके ब्रांड्स को, जैसे कि जिस नाम से आपका अकाउंट बना है उसी नाम पे आप प्रोडक्ट भी डाल रहे हो और फॉलोवर भी आपको उसी नाम के आ रहे हैं, तो एक इजी तरीका रहता है कि सारी चीज़ें एक जैसी हो रही हैं, तो क्विकली आपके वहाँ पे फॉलोवर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आसानी से वहाँ पे सेल होने के चांस रहते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा फॉलोवर होते हैं उसकी उतनी ज़्यादा सेल होती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और डिसाइड कर लेनी है कि देखो, आप जो भी रीसेलिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या करने वाले हो, या आपका जो भी रीसेलिंग एप्लीकेशन यूज करने का मन है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप सभी एप्लीकेशन यूज करिए, जितने भी ट्रस्टेड रीसेलिंग एप्लीकेशन हैं। और आप कहोगे कि ट्रस्टेड रीसेलिंग एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो जितने भी ट्रस्टेड रीसेलिंग एप्लीकेशन है सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप वहां से सभी को डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको एक बात यहां पर कंफर्म हो गई कि पिंटरेस्ट पर फीमेल 70% है, 1 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। तो यहां पर एक नेटवर्क बेस बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो, किस किस तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट करके कस्टमर ला सकते हो। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मत दीजिए। आप कहोगे कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्यों नहीं दें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देना तो अच्छा है, क्योंकि हमारी जब भी कोई हमारा पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल देखेगा, कोई हमारा फ़ोटो देखेगा, हमारी पोस्ट देखेगा और हमारा ग्रुप का लिंक दिया होगा, तो सीधा ओके करेगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद हम जब भी पोस्ट करेंगे तो वो अपने आप अच्छे लगेंगे तो वो खरीदेगा। तो आपके दिमाग इस तरीके से चल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, कस्टमर बेस बनाना है। और कस्टमर बेस बनाने के लिए आपको अपना रिकॉर्ड तैयार करना है। अब रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा कि जैसे पिंटरेस्ट से कोई आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, आप अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल का URL दे सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। तो जैसे पिंटरेस्ट पर से आपका कोई व्हाट्सएप पे आ रहा है तो उसका नंबर सेव करिए, आप उसे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं या आप ग्रुप में ऐड करने से पहले उसका नंबर सेव कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपके पास भी रिकॉर्ड तैयार हो जाए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और अगर ग्रुप में कोई बंदा जुड़ा है और उसके बाद वो ग्रुप छोड़ दिया तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाओगे कि कौन छोड़ के गया, तो इस तरह से आपका उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, आप उनसे पर्सनल बात नहीं कर सकते, पर्सनली बात करके ये नहीं पूछ सकते कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें। कुछ सवाल मेरे को और पूछे गए थे, क्योंकि यह मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ है वो ख़त्म होने पे आ गई है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग वगैरह और ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग बता दी। तो इसके अलावा एक वीडियो और आएगी OLX मार्केटिंग के बारे में कि OLX पे कैसे मार्केटिंग करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मेरे पे सवाल आ रहे थे कि रोहित भाई यार एक बात बताओ कि आप बोलते हो कि बिजनेस अकाउंट बनाओ, तो बिजनेस अकाउंट कैसे बनाए। देखो, आपका जो भी बिजनेस नाम है, जैसे कि शर्मा कलेक्शन या कुछ और है, जो भी आपने मीशो में या सब 501 या ग्लो रोड या कहीं पे भी देख रखा है, उस नाम से अपना अकाउंट बनाओ। दूसरी चीज़ होती है कि प्रोफाइल आप या लोगो बोलते हैं, तो लोगो आप बना सकते हो पिक्सार्ट नाम का एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकती हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकती हैं। इसके अलावा उससे आप अपना लोगो बना सकते हैं,
उसकी बात आती है कवर फोटो की बात, तो पिक्सार्ट से ही आप कवर फोटो बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो वीडियो भी बनाते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो वीडियो कैसे बनाएं? तो वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है पावर डायरेक्टर, पावर डायरेक्टर भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप क्या कर सकते हो कि मीशो शॉप 101 किलो रोड की फोटो डाल के फोटो ऐड कर दीजिए और उसमें कोई भी साउंड लगा दीजिए, कोई भी सॉन्ग वगैरह, और उसको फिर अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे फेसबुक चाहे पिंटरेस्ट चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो वहाँ से क्या हुआ कि कस्टमर को एक अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इनका देखो वीडियोज भी आती हैं नई नई, इनके फ़ोटो भी डालते हैं स्टेटस में, वो सारी चीज़ें दिखेंगी तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन दबा देना जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।